हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। सो देखिए, मौर्यन एम्पायर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने तीन मेन रूलर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा, उसका लिटरेरी सोर्सेज पढ़े, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े, रॉक एडिक्ट्स पढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, ठीक है। जब मौर्यन डायनेस्टी एंड होती है, ठीक है, हमने पढ़ा कि लास्ट रूलर कौन थे, बृहदत्त थे। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है कि फॉरेन इन्वेजन्स प्लस नेटिव इन्वेजन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जिस टाइम पे एंड हो रहा होता है मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, उस टाइम पे कुछ लोकल राजा जो होते हैं, नेटिव रूलर्स आप समझते हैं, नेटिव इन्वेजन समझते हैं, जो भारत के कुछ लोकल रूलर्स थे इधर उधर से, वो मौर्यन एम्पायर का जो एरिया था वहां पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फॉरेन इन्वेजन का मतलब है कि बाहर से, इंडिया के बाहर से कुछ लोग यहां पे आकर आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हम यही दो चीजें पढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेजन मतलब बाहर से किस किस ने आक्रमण किया इंडिया के ऊपर, एंड नेटिव इन्वेजन मतलब इंडिया के आसपास के कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने उस एरिया पर आक्रमण किया। तो फॉरेन इन्वेजन में आपने दिमाग में रखनी, ये वाले जो चार्ट मैंने बनाया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस चीज को समझ गए ना, तो आपका आधा कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड का, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन में आते हैं इंडो ग्रीक्स, बाहर से आए, शक के स्काइथियंस बाहर से आए, पार्थियंस बाहर से आए, कुषाण यानी माने कनिष्क हम जिसमें पढ़ते हैं कुषाण में, वो भी बाहर से आए। ये चार थे बाहर के लोग जिन्होंने आक्रमण किया भारत में। नेटिव इन्वेजन मतलब इंडिया के रूलर्स थे लोकल इधर उधर के, उन्होंने उस मॉडर्न जो मॉडर्न एम्पायर जहां से रूल करता था उस एरिया पे आक्रमण करना स्टार्ट किया। इसमें कौन कौन थे, शुंगास, कानवास, चेतीज एंड सातवाहंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन सबके बारे में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्या है, फॉरेन इन्वेजन्स क्या है, नेटिव इन्वेजन्स क्या है, तो रटने वाली बात है। फिर जी पार्थियन का रूलर कौन था, कुषाण का रूलर कौन था, तो वो रटने वाली बात है। बट अगर आप ये चीज़ समझ गए कि जिस टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी का एंड हो रहा था, कुछ लोकल लोग वहां पे आक्रमण कर रहे थे, कुछ लोकल शासक आक्रमण कर रहे थे, कुछ बाहर के लोग आक्रमण कर रहे थे, तो उस टाइम जो भी चलता है, जो भी सिचुएशन बनती है, उसके बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, एक एक वीडियो, जैसे आज मैं आपको इंडो ग्रीक्स पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट मैं आपको शक एंड स्काइथियंस पढ़ाऊंगी, थर्ड वीडियो में पार्थियंस एंड कुषाण्स हम साथ में पढ़ेंगे, फिर हम शुंगास, कानवा, चेतीस एक वीडियो में पढ़ेंगे, सातवाहंस पढ़ेंगे। तो चार पांच वीडियोस में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियोस बहुत लंबी नहीं होंगी, शॉर्ट वीडियोस होंगी, ताकि मुझे भी अपलोडिंग में इशू ना हो, आपको भी समझने में कोई इशू ना हो, ठीक है। तो फिर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना वीडियो के साथ साथ में ही स्टार्ट कर दें। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स कौन थे, कहाँ से आए, जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ, अ सीरीज ऑफ इन्वेजन्स बिगेन इन 200 BCE। 200 BCE में क्या होता है, बहुत सारे आक्रमण होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नाउ द वीक मॉडर्न किंग फेल टू रिस्ट्रिक्ट देम। अब अशोका के बाद जितने भी रूलर्स आए, जितने भी सक्सेसर्स रहे अशोका के, वो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे, ठीक है, इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे, इतने एम्बिशियस नहीं थे। तो होता क्या है कि वो बाहर से जो भी आक्रमण हो रहे थे उनको सह नहीं पा रहे थे, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, ठीक है। सो फिर इस वजह से क्या होता है कि बाहर के लोग यहाँ पे आके सेट कर लेते हैं अपना अपना एम्पायर छोटा मोटा, ठीक है। नाउ दिस किंगडम, किस किंगडम की बात कर रहे हैं, इंडो ग्रीक्स की बात कर रहे हैं। दिस किंगडम रूल्ड बाय ओवर 30 हेलेनिस्टिक और ग्रीक किंग्स। अब जो ग्रीक शासक होते हैं उन्हें हेलेनिस्टिक शासक भी कहते हैं, तो इंडो ग्रीक्स के अंदर 30 राजा थे जिन्होंने रूल किया। बट डोंट वरी, हम 30 के 30 के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके टाइम की, सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, बाहर से सबसे पहले जिसने आक्रमण किया भारत पे वो थे इंडो ग्रीक्स, ठीक है। रूल्ड बैक्ट्रिया लाइंग टू द साउथ ऑफ ऑक्सस रिवर, नॉर्थ अफगानिस्तान। जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का जो उत्तरी पार्ट है उसके साउदर्न, मतलब इस तरह से है जैसे हमारा अफगानिस्तान, तो इसके इस जैसे वाले पार्ट में जो है ऑक्सस रिवर है, वहां पे ये जो इंडो ग्रीक से पहले बैक्ट्रिया पे रूल करते थे, वहां से ये इंडिया आए थे। नाउ दिस किंगडम स्टार्टेड When Demetrius invaded India, ये empire, इसकी नींव किसने रखी इंडिया में, Demetrius ने रखी, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और इंडो ग्रीक्स की establishment की foundation stone रखा। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ा रही हूँ, वन लाइनर्स पढ़ाती हूँ और डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं, 12 से 15 पॉइंट्स, समटाइम्स 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 13, 14, 15, इतने पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ डेली। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, मैंने 3-4 जगह से उठा के, 3-4 जगह से स्टडी करके फिर वो नोट्स बनाती हूँ, तो जो भी मुझे बेस्ट लगते हैं वो मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। फाइन, हम इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उनके एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे। अ लार्ज एक्सटेंट आप समझते हैं,
एरिया कितना था इंडो ग्रीक्स के अंदर? अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. नॉर्थ वेस्ट इंडिया समझते हैं, जैसे ये है हमारा, इस तरह से इंडिया है, ठीक है. तो ये वाला पार्ट जो है, जो पाकिस्तान के साथ लगता है, ये है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है. यहाँ पे वो रूल करते थे, मूव्ड अप टू अयोध्या एंड पाटलिपुत्र. अयोध्या एंड पाटलिपुत्र यूपी तक पहुँच गए थे वो लोग, ठीक है, अपना थोड़ा थोड़ा एरिया बढ़ाते हुए, ठीक है. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा. अब हम पढ़ेंगे कि मोस्ट फेमस रूलर कौन से थे, किसके? इंडो ग्रीक्स के, ठीक है. तो ये नाम आपने सुना भी होगा, स्कूल्स पे भी पढ़ा होगा, बट जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम रटने वाले प्रस्पेक्टिव से पढ़ते थे, कभी समझने वाले प्रस्पेक्टिव से नहीं पढ़ते थे. तो अब हम जब तैयारी करते हैं तो सोचते भी हैं कि अगर उस टाइम अच्छे से पढ़ा होता तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, है ना, समझने में. तो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर थे मिनांदर, जिन्हें मिलिंदा भी कहा जाता है. टाइम पीरियड की बात करें तो 165 से 145 BC इनका टाइम पीरियड था. कैपिटल की बात करें तो वो थी शकाला, मॉडर्न सियालकोट है ये, पंजाब में सियालकोट के नाम से फेमस है आजकल, ठीक है ना. कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागासेना, मिलिंदा ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था नागासेना के अंडर, ठीक है. हिज कन्वर्जन इज रिकॉर्डेड इन द बुक. अब इन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया, इस चीज़ का प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है? तो एक बुक है, ठीक है. बुक का नाम क्या है? मिलिंदा पान्हो द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा. इस बुक के अंडर हमें पता चलता है कि मिलिंदा ने धर्म परिवर्तन किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था बाय नागासेना, ठीक है. They were the first rulers in India to issue gold coins. भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इशू करने वाले कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे. बट देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये होता है कि किसने इशू किए, तो वो इन्होंने किए. फिर एक क्वेश्चन आता है लार्ज एक्सटेंट पे, किसने किए लार्ज एक्सटेंट पे, तो वो कुशांस ने किए, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब भी आएगा. फिलहाल आप इतना समझ लो कि सबसे पहले जो इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स इंडिया में, वो किए गए थे इंडो ग्रीक्स के द्वारा, ठीक है. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, राइट. एंड हमेशा मैं कहती हूँ कि नोट्स बनाएं. देखिए नोट्स का ऐसा होता है कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि हाँ अब हमें आगे क्या पढ़ना है. अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रह भी गए हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ इस तरह से थोड़ी सी जगह अपने नोट्स में छोड़ते चलिए. होता क्या है कि हम बार बार इसे तैयारी करने, ऐसा तो है नहीं एक साल में टेस्ट क्लियर हो जाता है, 2-3 साल लग जाते हैं. तो हम डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, कुछ ना कुछ हमें नया मिलता है, करंट अफेयर्स में कुछ आ गया कि हाँ इससे रिलेटेड कोई चीज मिली, तो आप अपने नोट्स में उस चीज को अपडेट कर सकते हैं. इसलिए हमेशा कहते हैं कि थोड़ी बहुत जगह हर एक टॉपिक के बाद नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है. नाउ दे इंट्रोड्यूस्ड फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक आर्ट, ठीक है. तो जो भी ग्रीक आर्ट था या हेलेनिस्टिक आर्ट था, उसके कुछ फीचर्स हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो आर्ट है उसमें भी देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गंधार आर्ट है, पूरा उस पर बेस्ड है, मतलब मैक्सिमम उस पर बेस्ड है. नाउ ग्रीक वर्ड हॉरोस्कोप. हॉरोस्कोप बोलते हैं ना, हमें अपने हॉरोस्कोप चेक करना है अगले एक साल तक हॉरोस्कोप कैसा होगा, है ना. अब अगर आपने देखा होगा लैपटॉप्स पे तो नहीं, बट पहले जब कंप्यूटर्स आते थे तो उस पर हॉरोस्कोप की एक ऐप होती थी, प्री इंस्टॉल्ड होती थी, हमें इंस्टॉल नहीं करनी होती थी, कुंडली करके कुछ ऐसा. तो उसमें हॉरोस्कोप आप पूरा अपना देख सकते थे. तो ये जो ग्रीक वर्ड है हॉरोस्कोप, ये डिराइव किया गया है हौरशास्त्र से, संस्कृत टर्म फॉर एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी को संस्कृत में क्या कहते हैं? हौरशास्त्र. तो हौरशास्त्र कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, ठीक है. तो चलिए हमारा पूरा का पूरा कंटेंट हो गया कंप्लीट. आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शक और स्काइथियंस के बारे में, बट इनको पढ़ने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना ज़रूरी है. हमने अभी मौर्यन एम्पायर पढ़ के कंप्लीट किया, हमने जाना कि ग्रेटेस्ट या फिर आप कह लीजिए मोस्ट पावरफुल रूलर थे अशोका. उसके बाद क्या होता है कि बहुत वीक सक्सेसर्स आते हैं, वो पूरे के पूरे एम्पायर को जोड़ के नहीं रख पाते क्योंकि उनकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो खुद में इतने एम्बिशियस नहीं होते. तो अब उस टाइम पे क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका बहुत सारे इन्वेजन्स मीन्स आक्रमण बाहर से होने स्टार्ट हो जाते हैं. अब कुछ होते हैं फॉरन इन्वेजन्स और कुछ होते हैं नेटिव इन्वेजन्स. फॉरन इन्वेजन्स मतलब जो भारत के नहीं है, भारत के बाहर से आकर वो यहाँ पे आक्रमण करते हैं. नेटिव इन्वेजन्स होता है जो लोकली इधर उधर के रूलर्स होते हैं, वो मौर्यन का जो मौर्यों का जो एरिया होता है वहां पे आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं. तो जो शक हैं या जो स्काइथियंस हैं, ये फॉरनर्स हैं, इंडियंस नहीं है, फॉरनर्स हैं, बाहर से आए और यहाँ पे आके बस गए. यहाँ पे आके इन्होंने जो मौर्यों का एरिया था वहां पे आक्रमण किया और अपना छोटा मोटा जो किंगडम था वो वहां पे सेटअप कर लिया. तो फॉरन इन्वेजन्स में हम चार पढ़ते हैं, इंडो ग्रीक्स जिसे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, शक एंड स्काइथियंस जो हम आज पढ़ेंगे, एंड पार्थियंस एंड कुशांस, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. प्लस नेटिव इन्वेजन्स को भी हम ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे. सो फिलहाल हमने पढ़ना है शक और स्काइथियंस के बारे में. तो ये मैंने आपको हिस्ट्री इसलिए बताई कि एक बेस आपको बन जाए, आपको समझ में आए कि शक हम पढ़ रहे हैं तो है कहाँ, वो कहाँ से आए. तो समझ गए, मौर्यन काल चल रहा था, अशोका आए, अशोका के सक्सेसर्स वीक हुए, उस टाइम पे देश के बाहर से आक्रमण होने स्टार्ट हुए, देश के लोकल रूलर्स आक्रमण करना स्टार्ट कर गए. तो जो बाहर से आए उनमें से इंडो ग्रीक्स के बाद थे शक या फिर स्काइथियंस, जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है, राइट.
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। अब टॉपिक आपको समझ आ गया है, एक फाउंडेशन आपकी क्रिएट हो गई है कि हमें क्या पढ़ना है, शक्स और स्काइथिन्स के बारे में पढ़ना है। नाउ द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय शक, अब जो इंडो ग्रीक्स हैं उनके बाद आते हैं हमारे शक, ठीक है। अब जो शाकास थे या जो स्काइथियंस थे, इनकी 5 ब्रांचेस थी इंडिया में, कौन कौन सी, एक अफगानिस्तान, अब देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब उस टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट, इंडियन जो कंट्री है इसी का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो 5 ब्रांचेस कौन कौन थी शक्स के, एक अफगानिस्तान में, एक पंजाब में, एक मथुरा में, एक उज्जैन में और दक्कन में। दक्कन कहाँ है, साउदर्न इंडिया में। अब जो मथुरा है वहां पे दे रूल्ड फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज, मतलब 200 साल तक के आसपास इन्होंने रूल किया। उज्जैन जो है रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया, अब उज्जैन यानी एमपी, एमपी मतलब सेंट्रल इंडिया में आता है, बट वहां से ये पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया को कंट्रोल करते थे, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज है। उसके बाद इनके टाइम पीरियड की बात करेंगे कि कब से कब तक इन्होंने रूल किया, तो 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक का इनका टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे आप तो आपके दिमाग में ना खुद से टाइमलाइन एक बन जाएगी। बट चीज ये है कि आपको बीसी और एडी का पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, एडी मींस एनो डोमिनो। टाइमलाइन पे हम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे जो है उसको 0 मानते हैं, उससे पहले वाला बीसी, उसके बाद वाला एडी। अब देखिए पूरी अगर आपको नहीं पता ना इस टाइमलाइन के बारे में कि हम बीसी एडी कैसे लिखते हैं, क्या कैसे मेजर करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके लिए मैं अलग वीडियो ले आऊंगी। यहां पे एक्सप्लेन करने लग गई तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट आई बिलीव कि आप लोग इतने आगे तक पहुंचे हैं हिस्ट्री में, हमने देखिए मिडिवल पढ़ लिया है, एंशियंट भी हमारा हो जाएगा, तो हम हिस्ट्री ऑलमोस्ट सारी पढ़ ही चुके हैं, तो अभी तक आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं काफी अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझा दूंगी, आपको दूसरी बार इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो ये ADBC है, बट जस्ट लेट मी नो कि आपको समझ में है इस चीज की या नहीं है, ठीक है। चलिए, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, द फाउंडर ऑफ शक रूलर इन इंडिया, शक रूलर या शक डायनेस्टी कह लीजिए, कि जो शक डायनेस्टी थी इसके फाउंडर कौन था इंडिया में, तो वो थे मॉइस, ठीक है। अ किंग ऑफ उज्जैन, अब ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अ किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के एक राजा थे जो खुद को क्या कहते थे, विक्रमादित्य कहते थे, ठीक है। उज्जैन के एक राजा थे जो खुद को विक्रमादित्य कहते थे, उन्होंने शक को हरा दिया, ठीक है, और बस यहीं से स्टार्ट हुआ एन इरा कॉल्ड विक्रम संवत। यहां से एक इरा, एक काल स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं विक्रम संवत। नाउ दिस इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इवेंट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द शाकास। जैसे ही विक्रमादित्य ने शक जो लोग थे, शक जो डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनको हराया, उसके बाद विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। ये इनकी विक्ट्री जो थी शकों के ऊपर, वहां से रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज 57 BC से। तो समझ रहे हैं, 57 BC में एक फाइट हुई थी, एक वॉर हुई थी विक्रमादित्य और शक के बीच में, तो विक्रमादित्य ने उनको हरा दिया, वहां से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ 57 BC से, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस इसी के साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, देखिए मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड करती हूँ। डेली करंट अफेयर्स मतलब हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं, ठीक है, और पर डे मैं 10 से 12 या 15 कुछ अप्रॉक्सीमेट, कई बार 10, कई बार 12, कई बार 15 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। देखिए मैं 4-5 वेबसाइट से करती हूँ, कुछ एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हैं, कुछ मैं वेबसाइट से देखती हूँ डेली, तो वहां से जो भी मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं करंट अफेयर्स, जो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स में आने की, उनको मैं लिखती हूँ, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आपके बढ़िया नोट्स वहां से बन जाएंगे अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, द मोस्ट फेमस शक रूलर इन इंडिया, इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस शक रूलर कौन थे, रुद्रदमन, वेरी इंपॉर्टेंट। 130 से 150 AD तक का इनका टाइम पीरियड था। नाउ अब ये तीन चीजों के लिए फेमस है, वो तीन पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, ही वॉज फेमस फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री लेवल आप समझते हैं, आर्मी में बहुत स्ट्रांग थे, तो बहुत उनकी जैसे कहते हैं ना मिलिट्री लेवल में, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, पर्टिकुलरली अगेंस्ट सातवाहन, सातवाहन से इनके युद्ध होते रहते थे तो उनको हराते रहते थे, तो रुद्रदमन जो है अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। सेकेंड आता है फॉर इज पब्लिक वर्क्स, समाज सेवा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। समाज सेवा कैसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही रिपेयर द फेमस सुदर्शन लेक इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात में, तो गुजरात के काठियावाड़ जो कि एक सूखा सूखा सा एरिया है, सेमी एरिड रीजन है, वहां पे इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था।
अब अगर रिपेयर करवाया था तो सुदर्शन लेक बनाई किसने थी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सुदर्शन लेक के बारे में सब कुछ फिलहाल आप समझ लिए, किन्होंने रुद्रदमन ने उसको रिपेयर करवाया था। थर्ड पॉइंट आता है फॉर हिज पेट्रोनेज टूवर्ड्स संस्कृत, संस्कृत की बहुत सुरक्षा के लिए उन्होंने पेट्रोनेज दी, पेट्रोनाइज किया। ही इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इन चाश्ते संस्कृत एट जूनागढ़, जूनागढ़ एमपी में चाश्ते संस्कृत की सबसे लंबी इंस्क्रिप्शन इन्होंने इशू की थी, किन्होंने, रुद्रदमन ने। ठीक है, तो पहला हो गया मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए फेमस थे, पब्लिक वर्क सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया इसलिए फेमस थे, और थर्ड आता है संस्कृत को पैटर्नाइज किया इसलिए फेमस थे। नाउ अदर इंपॉर्टेंट शक रूलर्स इन इंडिया, इंडिया में और भी इंपॉर्टेंट शक रूलर्स थे, कौन कौन थे, नहापना, उषा देवा, चाश्तना, घमाटिका एक्सेट्रा, बट ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, इनके बारे में कुछ भी नहीं है खास पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में तो आप बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सुदर्शन लेक के बारे में, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, देखिए अगर आप चाहें तो नोट्स अपने आप बना सकते हैं, बट इनके सब जॉब कर रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ़ यू परचेज माई हैंड रिटन नोट्स, राइट। साथ में वीडियोज देखिए, जो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सो हमने पढ़ना था सुदर्शन लेक के बारे में। ठीक है, तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने कंस्ट्रक्ट की थी, वो कौन थे, गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, इन्होंने बनाई थी सुदर्शन लेक। अब पुष्यगुप्त को विष्णुगुप्त से मत कंफ्यूज करना, विष्णुगुप्त नहीं माने चाणक्य, माने कौटिल्य, वो अलग थे, वो पीएम थे चंद्रगुप्त मौर्य के, लेकिन जो पुष्यगुप्त है वो अलग है। मैंने देखा बहुत सारे लोग, अरे वही जो पीएम थे जो चाणक्य, नहीं, उनका नाम विष्णुगुप्त था, ये पुष्यगुप्त है, याद रखना है। तो कंस्ट्रक्शन किसने की, पुष्यगुप्त ने। डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द लेक बाय, अब इस झील के ऊपर एक डैम भी बनाया, वो किसने बनाया, तुषस्प ने बनाया है। ये किसके टाइम पे थे, तो ये इन्होंने जब ये डैम बनाया इस लेक के ऊपर, उस टाइम पे रूल कर रहे थे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, उन्हीं के आप कह सकते हैं ग्रैंड सन थे अशोका। ठीक है, फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन, अब होता है ये कोई चीज़ बनाई तो बार बार रिपेयर भी करवानी पड़ती है, तो फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन या फर्स्ट रिपेयरमेंट किसने करवाई थी, गवर्नर थे सुविशाक, रुद्रदमन के अंडर इन्होंने, यहाँ पे जो हमने पढ़ा इन्होंने करवाई थी। और सेकंड किसने करवाई थी, स्कंदगुप्त, ये गुप्त रूलर थे स्कंदगुप्त, इनके अंडर थे चक्रपलित, उन्होंने करवाई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के पार्थियंस और कुशांस के बारे में। तो अब ये पार्थियंस कहाँ से आए, कुशांस कहाँ से आए, इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। हमने पढ़ा मॉडर्न एम्पायर के बारे में, हमने पढ़ा उसके तीन मेन रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। फिर हमने ये जाना कि अशोका का रूल जब खत्म हुआ, जब उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद एम्पायर जो है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में बंट गया। ठीक है, बहुत वीक सक्सेसर्स आए अशोका के बाद, तो वो पूरे के पूरे एम्पायर को जोड़ के नहीं रख सके। अब उसी टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि कुछ फॉरेन इन्वेजन्स और कुछ नेटिव इन्वेजन्स होना स्टार्ट होते हैं, मतलब कुछ बाहर से आक्रमण होने देश पे स्टार्ट होते हैं, मॉरन के जो काल है, जो ईरा है, जो जगह है, लोकेशन है, साइट है, वहाँ पे होने स्टार्ट होते हैं, कुछ लोकल आक्रमण जो हैं उनके एरिया में होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन्स में जब हम बात करते हैं तो इनमें आता है इंडो ग्रीक्स, शक और स्काइथियंस, पार्थियंस एंड कुशांस। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शक या स्काइथियंस कह लीजिए इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पार्थियंस एंड कुशांस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हमारा फॉरेन इन्वेजन वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ नेटिव इन्वेजन में आते हैं शुंगास, जो देश के ही थे, अलग अलग जगह पे जो लोग थे वो अलग अलग जगह पे रहते थे, तो उन्होंने अपनी आर्मी के साथ आक्रमण किया, तो उनके जो आक्रमण है वो नेटिव इन्वेजन्स में आते हैं। इसमें आता है शुंग हो गया, कनवाज हो गया, चेतीज हो गया, सातवाहन हो गया। तो अभी हमें इन्हें पढ़ना है, फिलहाल हमने ये दो पढ़े हैं और आज हम इन दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, राइट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। तो मैंने बात की कि हमें पार्थियंस एंड कुशांस के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम पार्थियंस के बारे में जानते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, ऑरिजिनली द पार्थियंस लिव्ड इन ईरान, फ्रॉम हेयर मूव टू इंडिया एंड रिप्लेस्ड शक्कास। अब होता क्या है,
पार्थियंस जो हैं वो एक्चुअल में ईरान में रहते थे, यहाँ पे वो आए और जो शक यहाँ पे रूल कर रहे थे उनको उन्होंने रिप्लेस किया। शक आप समझ गए, शक्स और स्काइथियंस जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना, तो उनको रिप्लेस किया। दे ऑक्यूपाइड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एज कम्पेयर टू शक्स एंड ग्रीक्स। जो इंडो ग्रीक्स आए थे, जो शक्स आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का कवर किया था, लेकिन उनके कंपेरिजन में पार्थियंस बहुत कम एरिया जो है वो अपने अंडर कर पाए थे। ठीक है, द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग, सबसे ज़्यादा फेमस पार्थियन किंग कौन से हैं, वो है गोंडोफेरेंस, इन हूज रियान सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसा माना जाता है कि जो गोंडोफेरेंस थे, जो सबसे ज़्यादा फेमस पार्थियन रूलर थे, उनके अंडर, उनके टाइम पीरियड में सेंट थॉमस आए थे इंडिया, क्यों, क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन करने, मतलब प्रचार करने क्रिश्चियन धर्म का। ठीक है, तो देखिए पार्थियंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, कुषाण्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हम इसमें कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं तो फिर सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। प्लस एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाती हूँ, तो उसमें 10 से 15 पॉइंट्स मैं डेली कवर करती हूँ। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे करंट अफेयर्स रेफर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप चाहे तो उसे भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम रेट पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हमारा आज का सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है द कुषाण्स। टाइम पीरियड की बात करें तो 1st to 3rd century AD ये इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, ऑल्सो नोन एज यूचियंस और तुचानियंस, ये आप देख लेना प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से, बट अगर क्वेश्चन कहीं पे आता है यूचियंस के बारे में या तुचानियंस के बारे में, तो आपने समझना है वो कुषाण्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कुषाण्स रिप्लेस द पार्थियंस। अब पार्थियंस के बाद आए तो ऑब्वियसली इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया। ठीक है, दीज वर द नोमैडिक पीपल। नोमैडिक आप समझते हैं घुमंतु, इधर से दूसरी जगह घूमते रहते थे, है ना। दे केम फ्रॉम स्टेप्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया, नॉर्थ सेंट्रल एशिया के जो प्लेन एरियाज है वहाँ से वो इंडिया तक आए थे। एक्सटेंट माने एरिया की उनके अंडर कौन कौन सा एरिया आता था। नाउ अ गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, पोर्शंस ऑफ ईरान, अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट होल ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया। इसके लिए अपना मैप खोलिए, सामने आपने वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप लगाया है, वेल एंड गुड, अदरवाइज अपनी एटलस खोलिए। देखिए सेंट्रल एशिया कहाँ पे पड़ता है, वहाँ से ईरान आए, अफगानिस्तान आए, पूरा का पूरा पाकिस्तान कैप्चर किया एंड देन नॉर्दर्न इंडिया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रूट। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट कुषाणा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। अब कुषाण्स की भी दो डायनेस्टीज थी। ठीक है, पहली जो कुषाण डायनेस्टी थी वो फाउंड की गई थी कुजाला कैटफिसिस के द्वारा। ठीक है, अब इसी डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे वीमा कैटफिसिस। इन्होंने क्या किया, दे इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इन्होंने भी इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू करना स्टार्ट किए थे। देखिए सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने किए थे। ठीक है, उसके बाद जो वीमा कैटफिसिस थे यानी कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे इशू किए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। सो कनिष्क फाउंडेड द सेकेंड कुषाणा डायनेस्टी। सेकेंड कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे कनिष्क और फर्स्ट वाले के थे कुजाला कैटफिसिस। तो फर्स्ट वाले को कोई पूछता ही नहीं, यही कुषाण डायनेस्टी को हम कनिष्क से रिलेट करते हैं जब भी कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कनिष्क जो है वो सेकेंड कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो नोट्स परचेज कर सकते हैं, किस कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं है टाइम नोट्स बनाने का। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने नोट्स वीडियोस देख देख के बना सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक कवर किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए। राइट, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कनिष्क के बारे में। कनिष्क के टाइम पीरियड की बात करें तो 78 AD से 101 AD तक का इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं कनिष्क। राइट, फाउंडर ऑफ सेकंड कुषाणा डायनेस्टी, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका। देखिए हमने मौर्यन एम्पायर में तीन राजा पढ़े थे जिनकी हमने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। तो अशोका के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। ठीक है,
कलिंगा वॉर हुई थी, हृदय परिवर्तन हुआ था, रॉक एडिक्ट इशू किए थे, बैरी घोष से धाम घोष की तरफ गए थे, फिर ये सब हमने पढ़ा उनके बारे में। तो अब देखिए वो जो है ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर माने जाते हैं। तो कनिष्क कौन से रिलेट किया जाता है, जितने पावरफुल, जितने एम्बिशियस है ना, जितने स्ट्रांग अशोका थे उतने ही कनिष्क को भी कहा जाता है। तो इसलिए कनिष्क को सेकेंड अशोका कहा जाता है। ही स्टार्टेड एन ईरा, एक ईरा इन्होंने स्टार्ट किया, शक ईरा। कब से स्टार्ट किया, 78 AD से, नाउ ऑल्सो यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार भी इसी ईरा को जो है वो फॉलो करती है। हैड टू कैपिटल्स, इनकी दो राजधानियां थी, एक थी पुरुषपुर, एक थी मथुरा, ठीक है। ही पैट्रोनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, कश्मीर में जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको पैट्रोनाइज किया। हमने पढ़ा, हमने बुद्धिज्म पढ़ा, जैनिज्म पढ़ा, हमने जाना जैनिज्म की दो काउंसिल्स हुई थी, ठीक है, हमने जाना बुद्धिज्म की चार काउंसिल्स हुई थी। तो जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो कि एक तरह से लास्ट काउंसिल थी, कश्मीर में हुई थी, उसको पैट्रोनाइज किया था कनिष्क ने। वेयर डॉक्ट्राइन ऑफ महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज फाइनलाइज्ड, हमने पढ़ा था ना महायाना, वज्रयाना, हिनायाना, तीन सेक्ट्स थे। तो जो महायाना था, ठीक है, इसको जो है फाइनलाइज किया गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। नाउ अब देखिए आगे चलने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, राइट। एंड एक चीज़ और, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। फाइन, आगे चलते हैं। ही पैट्रोनाइज द फॉलोइंग पर्संस, अब जिनके भी नाम मैं आपको बताऊंगी सबको शरण दी थी, ठीक है, कौन कौन है, अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्रा एंड चरक। अब सबके बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है और जो बुद्ध चरित्र है दैट इज कंसिडर्ड एज रामायण ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। नागार्जुन ने माध्यमिक लिखी है और नागार्जुन को इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है। वासुमित्रा जो है चेयरमैन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, और पैट्रोनाइज किसने की थी, कनिष्क ने की थी, तो इनको भी इन्होंने पैट्रोनाइज के अंदर शरण दी थी। चरक ने लिखी है चरक संहिता, चरक के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन थे, है ना। नाउ द लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर, लास्ट जो ग्रेट कुषाण रूलर थे वो थे वासुदेव वन। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ आता है दैट इट सजेस्ट, दिस लाइन सजेस्ट दैट सक्सेसर्स ऑफ कनिष्क बोर टिपिकल इंडियन नेम्स, कि जो सक्सेसर्स थे कनिष्क के, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टिपिकल इंडियंस नेम लिए थे। जैसे वासुदेवा ये एक इंडियन नाम है, लेकिन जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने भी ये नाम लिया, ठीक है, तो वो इंडियन नेम्स को अपने ऊपर रख लेते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कन्फ्यूजन होता है हमें, फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड क्वाइंस ऑन अ वाइड स्केल, इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट किए इशू क्वाइंस इशू करना गोल्ड कॉइन्स, और इन्होंने क्या किया, वाइड स्केल पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए, बस फर्क यही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्थियंस, कुषाण डायनेस्टी और जो फॉरेन इन्वेजन हम पढ़ते हैं वो हो गए कंप्लीट। अब हम सेंट्रल एशियन इंपैक्ट पढ़ेंगे कि ये सब जब इंडिया आए, ठीक है, तो इन कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड देन हमारा जो पूरा का पूरा फॉरेन इन्वेजन है वो हो जाएगा कंप्लीट, राइट। इंपैक्ट्स ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपैक्ट्स ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। देखिए हमने मौर्यन पीरियड पढ़ा, फिर हमने जाना कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, कुछ नेटिव इन्वेजन्स होते हैं। फॉरेन मतलब जो बाहर से आकर भारत पर आक्रमण करते हैं, और नेटिव मतलब कुछ लोकल रूलर्स इधर उधर के, तो वो क्या करते हैं, मौर्यन्स की जहाँ पे कैपिटल थी उस एरिया पे आक्रमण करते हैं। फिर हमने जाना कि फॉरेन इन्वेजन्स में कौन कौन से आते हैं, इंडो ग्रीक, शक और स्काइथियंस, पार्थियंस, कुशांस, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि देखिए मेनली ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से जब ये आए अपने साथ कल्चर ट्रेडिशन लेकर आते हैं, है ना, ट्रेडिशंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं, कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता है, तो इन चारों के आने से भारत में क्या इफेक्ट पड़ा, कल्चर की फॉर्म में कह लीजिए, किसी भी फॉर्म में कह लीजिए, व्यापार के फॉर्म में कह लीजिए, क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें आज पढ़ना है। फॉरेन इन्वेजन्स माने जो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हमें आज की वीडियो में पढ़ना है, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। अब देखिए पहला पॉइंट है एडवांसमेंट इन बिल्डिंग एक्टिविटीज, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती थी, उसमें चेंजेस आए, ठीक है। यूज ऑफ बर्नड ब्रिक्स फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग आप समझते हैं फर्श पे फर्श डालना है, तो उसके लिए बर्नड ब्रिक्स का यूज होने लगा। अब याद कीजिए हमने ये वर्ड कहाँ पढ़ा है, बर्नड ब्रिक्स हमने कहाँ पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था, है ना। चलिए आगे चलते हैं, टाइल्स जो है, टाइल्स का यूज स्टार्ट हुआ फ्लोरिंग में, रूफिंग में, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड वेव पॉटरी, रेड कलर की मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू हुए, है ना,
ये हमने पॉटरी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है, ग्रे वेयर, रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये भी हमने इंडस वैली में पढ़ा था, राइट। फिर आता है इंट्रोड्यूस बेटर कैवलरी। कैवलरी क्या होता है कि जो घुड़सवारी होती है ना, ठीक है, तो वो बेटर हो गई। कनिष्क कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट इन इंडिया। इंडिया में जो फेमस सिल्क रूट था उसको कनिष्क कंट्रोल करता था। इसके वजह से दिस रूट वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम टू द कुशांस। यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा पैसा आता था। क्यों? क्योंकि व्यापार जो है वो सिल्क रूट से होके होगा, ठीक है, वहीं से लोग आएंगे, तो जो भी व्यापारी आएंगे उनको वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था। वो टैक्स किसके पास जाता था? सीधे कनिष्क के पास जाता था, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। एंड इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेली मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो मतलब डेट बाय डेट, जैसे 11th अक्टूबर है, 12th अक्टूबर है, अभी आप बात करें 9th नवंबर है, 10th नवंबर है, इस तरह से डेली मैं करंट अफेयर्स की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। 10 से 15 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, कई बार 10 होते हैं, कई बार 12, कई बार 15, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे करंट अफेयर्स, वो मैं इंक्लूड करती हूँ। 4-5 सोर्सेज, एक दो एप्लीकेशन है मेरे पास, 2-3 वेबसाइट से देख के जो भी बेस्ट मुझे लगते हैं उसके नोट्स बना के मैं अपलोड करती हूँ, तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है वहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ द कुशान एम्पायर गेव राइज टू गांधारा एंड मथुरा स्कूल। अब कुशान जो हैं ये आए और सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट हुआ। सेंट्रल एशिया समझते हैं आप, कुशान हैं, चाहे इंडो ग्रीक्स हैं, शक्स हैं, पार्थियंस, उन सबकी वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ वो हमें पढ़ना है। तो 3 स्कूल ऑफ आर्ट जो हैं इस टाइम पर डेवलप होते हैं, कौन कौन से हैं? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोनाइज बाय शक्स एंड कुशान। जब शक्स यानी स्काइथियंस और कुशान आए तो उन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस किया। इट वॉज स्पेशलाइज्ड इन बुद्धा इमेजेस, स्तूपाज एंड मोनेस्ट्रीज। जो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध थे, उनकी जो मूर्तियाँ बनती थी, स्तूप बनते थे, मोनेस्ट्री माने मठ बनते थे, उन सब में गंधारा आर्ट जो है वो यूज़ होता था। यूज ब्लू स्किस्ट स्टोन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ब्लू कलर का स्किस्ट स्टोन होता है, वो यूज़ किया जाता था, ठीक है। बुद्धाज ऑफ द स्कूल ऑफ आर्ट व जेंटल, ग्रेसफुल एंड कम्पैशनेट। मतलब बहुत जेंटल उनकी फोटोज़ मतलब मूर्तियाँ होती थी, स्कल्पचर्स होते थे ना, ग्रेसफुल, बहुत ग्रेस होती थी, ये सब है, ठीक है। फिर है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। सो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसको पढ़ने से पहले, कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने मेरा अकाउंट अपीयर हो जाएगा और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइन, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो मेनली क्वेश्चन यही से आता है कि किसने इसको पैट्रोनाइज किया। सो इट वॉज ऑल्सो पैट्रोनाइज बाय शक्स एंड कुशांस। जो शक थे, कुशान थे, उन्होंने ही इसे पैट्रोनाइज किया था। बुद्धाज, अब जो बुद्धाज है उनकी इमेजेस यहीं से कॉपी की गई थी, किससे? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से, बट इन अ रिफाइंड वे, थोड़े ज़्यादा रिफाइंड वे में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएशंस कंसिस्टेड ऑफ न्यूड और सेमी न्यूड फिगर्स। इसमें जो है मेजॉरिटी जो फिगर्स बनी या फिर आपके लिए स्कल्पचर्स बने, उनमें न्यूड या सेमी न्यूड फिगर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। किसमें? ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। इट वॉज पैट्रोनाइज बाय सातवाहंस। जो सातवाहंस थे उन्होंने पैट्रोनाइज किया, शक एंड कुशान ने किया, गंधारा एंड मथुरा स्कूल को, है ना। ऊपर भी आप देख रहे होंगे, गंधारा एंड मथुरा स्कूल को कुशांस ने किया, शक एंड कुशान। अब अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, इसको सातवाहंस ने पैट्रोनाइज किया, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्वास्तिक मार्क। स्वास्तिक मार्क कैसे होता है? इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये मतलब शुभ का प्रतीक होता है, कि है ना, गुड विशेज, गुड मार्क, इसका प्रतीक होता है। तो लॉर्ड बुद्धा को जो है स्वास्तिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया गया। ये क्वेश्चन भी आता है, कौन से स्कूल ऑफ आर्ट में? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। अब इसका एक एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल ऑफ अमरावती पीस ऑफ आर्ट। अमरावती पीस ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल है नंदीश्वरा, सिचुएटेड इन अमरेश्वरा टेम्पल। अमरेश्वरा टेम्पल है, वहाँ पर नंदीश्वरा बना है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमरावती पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा था पढ़ने के लिए, हमने कंटेंट कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनी है। बस एक चीज़ और आपको बतानी ज़रूरी है, कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है। फाइन, तो हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेटिव इन्वेजन्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।